क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सिर्फ 1% लोगों के पास में दुनिया का 96% पैसा कैसे पहुंचा? क्या है उन 1% लोगों के पास ऐसा जो बाकी के 99% लोगों के पास में नहीं है? उसे कहते हैं द सीक्रेट। उन्हें सीक्रेट मालूम है और वो उसे फॉलो करते चले जा रहे हैं। हमारे विचारों की शक्ति बहुत ज्यादा है। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक वैसे हम बन जाते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। बात करने जा रहा हूं द सीक्रेट, दुनिया की बेहतरीन किताब की, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। और इस किताब को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में, आपको सार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बड़े बड़े कवियों ने, जैसे कि विलियम शेक्सपियर साहब, विलियम ब्लेक, इन्होंने अपनी कविताओं में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की शक्ति, आकर्षण के नियम के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। दुनिया के जो फेमस पेंटर हुए लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने भी अपनी पेंटिंग में इसे दर्शाने की कोशिश की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस तरीके के आपके थॉट्स हैं, ठीक वैसी ही चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे विचार आ रहे होते हैं, ठीक वैसे ही विचारों को आप अपनी तरफ लेकर के आ रहे होते हैं। हमारे दिमाग में मैग्नेटिक पावर होती है, और मैग्नेटिक पावर का मतलब यह है कि हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं ठीक उन चीजों को जैसा कि हम सोच रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, सोने से पहले आप जैसा सोच रहे होते हैं या दिन में आप जैसा सोच रहे होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, जब सपना आता है तो वही थॉट्स पूरे होते हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स जो है उसकी कहानी शुरू हो जाती है। जहां तक आपने सोचना बंद किया था, वहां से आगे की पिक्चर, वहां से आगे की कहानी सपने में आपको दिखाई देने लगती है। सपने में भी वही विचार घूम रहे होते हैं जो दिन में आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं। आकर्षण का नियम जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो अच्छे को भी अट्रैक्ट करता है और बुरे को भी अट्रैक्ट करता है। तो सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए, ये द सीक्रेट बुक में बताया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्यादा समझते नहीं है, समझते तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी नहीं है, लेकिन उसके फायदे तो उठाते हैं। वैसे ही ये भी हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप समझ जाएंगे तो जीवन को बहुत आसान कर पाएंगे और जीवन में वो सब पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। इस बुक की जो ऑथर हैं रोंडा बर्न, वो कहती हैं कि जब तक मैंने ये सीक्रेट नहीं डिस्कवर किया था, तब तक मुझे पता नहीं था कि मेडिटेशन में कितनी पावर होती है। मेडिटेशन जो है आपके माइंड को काम कर देता है। यही बात गीता ज्ञान सीरीज में भी हमने बहुत डिटेल में समझी थी। श्रीमद् भगवद गीता को जब मैंने पढ़ा तो यही समझा कि प्रभु कहते हैं कि आप जो चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा, लेकिन ये तो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, पाना है तो परम शांति मोक्ष को पाओ, वो भी मिल सकती है। यही है पावर ऑफ मेडिटेशन। और इसी पावर ऑफ मेडिटेशन के बारे में रोंडा बर्न इस बुक में द सीक्रेट में लिखती हैं। वो कहती हैं कि आपको घंटों तक मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप 2-3 मिनट से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट तक पहुंचिए और धीरे धीरे इस पावर ऑफ मेडिटेशन को आगे बढ़ाते चलिए। क्योंकि थॉट्स में वो मैग्नेटिक पावर है, वो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है जो यूनिवर्स में पहुंचती है, और यूनिवर्स उन चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप कहेंगे कि हमारी लाइफ में बुरा हो रहा होता है, ये कैसे हो रहा होता है? क्योंकि कई बार हम नेगेटिव थॉट्स माइंड में इतने हावी कर देते हैं कि यूनिवर्स वही सब हमारी लाइफ में लेकर के आ जाता है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और वैसा ही हो जाता है। आपने देखा है कोई बंदा जब गिरता है बिल्डिंग से, तो चाहे उसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में मालूम हो या ना हो, वो नीचे गिरकर ही रहेगा, क्योंकि यही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक वैसे ही चाहे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम हो या ना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से काम कर रहा होता है जिस तरीके से आपके दिमाग में विचार घूम रहे होते हैं। यही द सीक्रेट बुक में बताया गया। इसमें बताया गया कि एक रिसर्चर कहते हैं कि इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 के करीब विचार आते हैं। अब वो 60,000 विचार कौन से थे, वो थॉट्स कौन से थे, उनकी मॉनिटरिंग करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे इमोशंस जो हैं वो ये जानने में मदद करते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं। कई बार हमें गुस्सा आता है, कई बार हमें निराशा होती है, तो ऐसे टाइम में रोंडा बर्न लिखती हैं कि आपको एक लिस्ट तैयार करके रखनी चाहिए जो आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को बदल सकती है, आपके माइंड में अच्छे विचार पैदा कर सकती है। जैसे कि जो आपकी बेस्ट मेमोरीज हैं उनको लिख करके रखिए, जो आप फ्यूचर में अपने लिए बेस्ट चाहते हैं उसको लिख करके रखिए, जो आपने बेहतरीन पल बिताए उनको लिख करके रखिए, किसी प्यारे इंसान के बारे में लिख करके रखिए, आपका प्यारा म्यूजिक जो है, आपका फेवरेट गाना जो है, आपकी जो प्लेलिस्ट है वो आपके साथ होनी चाहिए, ताकि जब भी नेगेटिविटी हावी हो आप उस लिस्ट के पास जाएं और अपने माइंड के थॉट्स को बदल दें। रोंडा बर्न 3 स्टेप्स के बारे में बात करती हैं, आइए समझते हैं। द सीक्रेट को समझने के 3 स्टेप्स हैं जो कि आपकी लाइफ में सब कुछ ला सकते हैं।
वो तीन स्टेप्स हैं, पहला आस्क, दूसरा बिलीव और तीसरा रिसीव। सबसे पहले आस्क यानी कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपको क्या चाहिए वो मांगना शुरू कीजिए, यूनिवर्स आपको वो देना शुरू करेगा। शांति से बैठिए एक जगह पर, उस चीज के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, एक कागज पर लिखिए और अपने पास रख लीजिए। उसके बाद यूनिवर्स से डिमांड करना शुरू कीजिए, आस्क मांगना शुरू कीजिए। आप कुछ भी मांग सकते हैं, महंगी गाड़ी मांग सकते हैं, नौकरी मांग सकते हैं, जो आप मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, बस आपके मन में उस चीज़ को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं, और ये सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। अलादीन के चिराग की तरह ये काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऑर्डर को फॉलो करता है। ये है पहला स्टेप यानी कि आस्क। दूसरा स्टेप है बिलीव, यानी कि आपको यकीन करना है कि जिस चीज को आपने ब्रह्मांड की तरफ भेजा है, यूनिवर्स में भेजा है, वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। और आप जब आप ऐसा बिलीव करते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं, तो यूनिवर्स एक्टिव हो जाता है और उसे सच करने में लग जाता है। यकीन करने का मतलब है कि आपको इस तरीके से काम करना है, बोलना है और सोचना है जैसे कि जो मांगा था वो आपको मिल चुका है। अब आते हैं तीसरी स्टेप की तरफ जिसका नाम है रिसीव। जिस चीज को आपने मांगा है उसके बारे में इस तरीके से फील करना शुरू कीजिए जिस तरीके से आप उस चीज को पाने के बाद में महसूस करेंगे, यानी कि ये मान लीजिए कि आप उस चीज को रिसीव कर चुके हैं। यकीन करिए कि आपने वो पा ली है, तब आप एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं जो यूनिवर्स में आपकी पावर को, आपके थॉट्स को और ज्यादा स्ट्रांग कर रही है। तो यकीन करिए, जानिए, महसूस कीजिए और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि कितना समय लगेगा, तो जितना ज्यादा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा आपने अट्रैक्ट किया है, जितनी ज्यादा आपकी पावर ऑफ अट्रैक्शन है, टू बी ऑनेस्ट, उतनी जल्दी आपको वो चीज मिलेगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप ये सोचने लगेंगे कि शायद ये काम होगा या नहीं होगा, तो आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं, और जब आप मिक्स्ड फ्रिक्वेंसी भेजेंगे तो वो काम अधर झूल में अटक सकता है। द सीक्रेट बुक में जिस टॉपिक के बारे में बात की गई है उसका नाम है ग्रैटिट्यूड। इसको भी बड़ा समझना इम्पॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना, थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना और बारंबार धन्यवाद कहना। अगर आप महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपके पास में एक सेकेंड हैंड गाड़ी है, एक सेकेंड हैंड कार आप चला रहे हैं, तो आपको ये नहीं कहना कि कितनी गंदी कार चला रहा हूँ। आपको ये कहना है कि यूनिवर्स आपका धन्यवाद, आप ऊपर वाले को जिस नाम से पुकारते हैं उन्हें याद करके कहिए कि आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक तो बनाया, लेकिन अब एक छोटी सी ख्वाहिश और है, इच्छा और है, वो है एक महंगी गाड़ी लेने की। क्या आप मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं, आप में वो चाहता हूं। जब आप जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू कहना सीखेंगे, तो आप वो पाना सीखेंगे जो आप पाना चाहते हैं। आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इनग्रैटिट्यूड की लाइफ जी रहे हैं, आप थैंक यू नहीं कहते हैं, तो आपके मन में नेगेटिविटी जो है वो हावी हो जाती है। आप खुद से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, दूसरों से जलना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप थैंक यू कहना शुरू करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आपने एक नया दिन दिया, आज मुस्कुराने का मौका दिया, आज मैं सांस ले पा रहा हूँ, खुश हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, तो अपने आप खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। टेलीफोन का जब आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो उससे पहले टेलीफोन नहीं था, लेकिन विजुअलाइज किया गया और उसका आविष्कार हो गया। बल्ब का जब आविष्कार किया गया, तो उससे पहले बल्ब नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन विजुलाइज किया और सच में हो गया। कई बार लोग कहते हैं कि जो पावर ऑफ विजुलाइजेशन है, काश हम इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें तो लाइफ बदल जाए। यही बात द सीक्रेट बुक भी आपसे कहती है। और इसका मतलब सिर्फ तस्वीर से या विचार से नहीं है, बल्कि इमोशन से भी है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं पॉजिटिविटी रखूं या अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने लगूं तो क्या ये काफ़ी होगा। आपको उसके साथ साथ उन हैप्पीनेस को भी फील करना होगा जो आपको मिलने जा रही है, उस हैप्पी मोमेंट को भी जीना होगा जो आपकी लाइफ में ऐड होने जा रहा है, तभी वो जो शक्ति है, जो अट्रैक्शन की पावर है, वो पैदा होगी। पावर ऑफ विजुलाइजेशन को एक बड़ी छोटी कहानी से इसमें समझाया गया है। जॉन अजरव जो हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते थे। और जॉन अजरफ नाम के जो व्यक्ति हैं, 1995 में एक विजन बोर्ड बनाते हैं, और जिस भी चीज़ को जॉन अट्रैक्ट करना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, जैसे कार, घर, लाइफ पार्टनर, उन सब की जो तस्वीरें हैं उस विजन बोर्ड पर लगा देते हैं।
हर दिन अपने ऑफिस में बैठ करके उसको देख रहे होते थे और विजुलाइज कर रहे होते थे, उस सिचुएशन में पहुंच जाते थे जैसे कि वो चीज़ उन्हें मिल चुकी है। लेकिन किसी रीज़न से उन्हें दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा, उन्होंने सारा फर्नीचर सारा सामान जो था वो बक्से में बंद किया और स्टोर रूम में रख दिया, स्टोरेज में रख दिया, फिर उसको साथ लेकर के अगले शहर में अगले घर में पहुंच गए। 5 साल के अंदर वो 3 शहर जो हैं चेंज करते हैं, कैलिफोर्निया में जाकर के फाइनली सेटल होते हैं, एक मकान खरीदते हैं। एक दिन उनका बेटा जो उनके ऑफिस में आता है और उस बंद रखे हुए बॉक्स में के बारे में पूछता है जो उन्होंने रख दिया था कि इसमें क्या है, तो जॉन अजरफ कहते हैं कि इसमें मेरा विजन बोर्ड है। तो छोटा बच्चा, उसे पता नहीं होता, पूछता है कि क्या है ये विजन बोर्ड, तो कहते हैं बेटा मैं इसमें अपने सारे टारगेट लिखता हूँ, उनकी तस्वीरें लगाता हूँ जो जो मैं पाना चाहता हूँ। उनके बच्चे की छोटी उम्र थी तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहता है पापा ये बक्सा एक बार खोलते तो इस बॉक्स को खोल के तो देखते हैं। तो बॉक्स जब खोलते हैं, विजन बोर्ड जब उसके फादर बाहर निकालते हैं, जॉन अजरफ जब बाहर निकालते हैं, तो उसमें एक मकान की तस्वीर होती है, वो तस्वीर जो उन्होंने 5 साल पहले अपने माइंड में देखी थी और वैसी सी बना के लगा दी थी। और ये बिल्कुल वैसा ही मकान था जैसा कि मकान उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने लिए खरीदा था। और जब वो उस पिक्चर को देखते हैं तो रोने लगते हैं। छोटा बच्चा पूछता है पापा रो क्यों रहे हो? जॉन अजरफ कहते हैं कि बेटा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ चुका हूं कि ये कैसे काम करता है। अगर आप भी वो सब पाना चाहते हैं तो एक विजन बोर्ड जो है उस पर तस्वीर लगा दीजिए और वैसा ही इमेजिन करना शुरू कीजिए जैसा जॉन अजरफ ने किया। जैक कैनफील्ड जो है बुक के इस चैप्टर को समराइज करते हुए लिखते हैं कि आप डिसाइड कीजिए क्या चाहते हैं, यकीन कीजिए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं, विश्वास कीजिए कि आप इसके हकदार हैं, आप ही को मिलनी चाहिए चीज़, और विश्वास कीजिए कि ये आपके लिए संभव है, पॉसिबल है। आखिरी में अगर सार की बात करें, समराइज करने की कोशिश करूं, तो अपने आसपास के इमोशंस को महसूस कीजिए, उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जिन चीज़ों को आप पहले से पा चुके हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और आनंद लेना शुरू कीजिए हर पल का हर क्षण का। और जो थॉट्स हैं, जो चाहते हैं, जो चाहत है, उसे यूनिवर्स को डेडिकेट कर दीजिए और भरोसा रखिए कि वो चीज़ आपके जीवन में यूनिवर्स प्रकट कर देगा। यही है द सीक्रेट का सार जो पावर ऑफ मेडिटेशन के बारे में भी बात करती है, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत डिटेल में विस्तार में लिखा हुआ है। आखिर में जाते आते हैं द सीक्रेट बुक के कुछ कोट्स हैं जो बड़े फेमस हैं, वो आपको बताने का प्रयास करता हूं। कमाल की बात, द सीक्रेट में लिखी हुई है आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप महसूस करते हैं, वो नहीं जिसके बारे में आप सोचते हैं। इसलिए महसूस करना शुरू कीजिए, सिर्फ सोचना नहीं। दूसरा, हम जो भी हैं अपने पुराने थॉट्स की वजह से आज मैं इस हाल में है। तीसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे माने या ना माने, समझे या ना समझे। चौथा, आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं बल्कि सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। और पांचवा, आज तक जो भी चीज खोजी गई है, बनाई गई है, वो एक सिंगल थॉट से शुरू हुई थी। इसलिए अपने थॉट्स की पावर को पहचानिए। भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि इंसान के विचार ही उसके कर्म बन जाते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।